जो सरकार पंजाब के अंदर न केवल पंजाब पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी न आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियात ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है, दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर जाता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्रीय की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जलंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल प्लेस ब्रांच खोलने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, नशे को जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश खोश उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, इन नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर, ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मित्रों, पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल कर, जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के एक पैसे की आय पूरी करे कम करे बगैर उसका हर जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक सुजलाम सुफलाम रह पाए ऐसी भूमि बनाने का
भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं ये तीन मुद्दों पर बहुत जोर देना इसलिए चाहता हूं कि ये तीनों मुद्दे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये तीन मुद्दों पर और ज्यादा दमखम से पंजाब की सेवा करना चाहती है। कैप्टन साहब ने सही फरमाया, एक ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर पंजाब का विकास करे। 70 के दशक में पंजाब हर चीज में देश में नंबर वन हुआ करता था। उद्योग की बात करो तो पंजाब का उदाहरण दिया जाता था। किसानी की बात करो तो पूरे देश का पेट भरने का किसान काम मेरा पंजाब का किसान करता था। युवाओं की बात करो तो पूरे देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने का काम मेरे पंजाब के बहादुर सिख जवान करते थे। मित्रों, हर क्षेत्र में पंजाब का दबदबा था। वो पंजाब को आज फिर से एक बार पूरे देश में नंबर वन बनाना है तो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, पंजाब को पुराना गौरव वापस दिलाए, ऐसी एनडीए की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, कैप्टन साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं हमेशा, कैप्टन साहब दूसरे दल के नेता रहे फिर भी हमेशा से मैंने कैप्टन साहब का मन से सम्मान करा है। सार्वजनिक भाषणों में भी इनके प्रति सम्मान का भाव, जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के साथ किया है, मैं पटियाला वालों को बताने के पूछने आया हूं, 9 में से एक भी सीट कांग्रेस को जानी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए क्या? नहीं। जिन्होंने कैप्टन साहब को इस तरह से अपमानित किया वो कांग्रेस पार्टी को पूरा पटियाला एक मुस्त होकर हॉकी गेंद, कमल और टेलीफोन के निशान पर बटन दबाकर उसका जवाब दे, इसका समय अब आ गया है। मित्रों, पंजाब की हालत बहुत खस्ता हो गई और नेतृत्व भी एक ऐसा पसंद किया है कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब और खस्ता होने वाली है। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टिक्का कर, 4 लाख करोड़ का ऋण है, कैसे करोगे? कोई रोड मैप है? कोई कार्य योजना है? क्या समझ रहे हो पंजाब की जनता को? आप बोलोगे और सब मान जाएंगे? मित्रों, सारे के सारे बिजली के कारखाने संकट में चल रहे हैं। नवंबर 2020 में 3 थर्मल प्लांट बंद हो गए। जीवी के पावर, नाभा पावर और तलवंडी साबो, तीनों बंद हो गए। लहरा मोहब्बत और रोपड़ में बिजली संयंत्र लगा है, वो भी बंद होने की कगार पर। मित्रों, और आज देश में जो 100 अपराध नशे के खिलाफ अगर रजिस्टर होते हैं उसमें से 39% पंजाब के अंदर होते हैं। चन्नी साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना बताओगे क्या आप? केजरीवाल जी, इसके लिए कोई कार्य योजना लेकर पंजाब की जनता के सामने आए हो? अरे जब्त की हुई 5 करोड़ टैबलेट नशे की गायब हो गई, आपके माथे पर जू नहीं रेंगती है, आप कैसे नशे को रोकोगे? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मित्रों हम यहां पर पंजाब के विकास का खाका लेकर आए और पंजाब के अंदर जो महान सिख परंपरा है, सिखी के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सिख परंपरा के लिए किया है देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की
350वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मना चुके हैं। तेग बहादुर जी का सम्मान करना अभी चालू है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती में 350 करोड़ खर्च कर दसम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका संदेश पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैप्टन साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको याद होगा जब भी डिमांड आई कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर शुरू होना चाहिए, एक ही महीने में निर्णय किया और कुछ ही समय के अंदर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी अभी डिंडसा साहब ने बताया वीर बलिदानी साहिब जादों के त्याग समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिब जादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए FCRA की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को FCRA की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैकलिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैकलिस्ट में हैं। अमृतसर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से SIT बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को, नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, NDA की सरकार यहां जो बनेगी, वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्माननीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर आज तक केजरीवाल जी 2-2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना
दो दो बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है मित्रों। पंजाब का किसान देश को जब अन्न की जरूरियात थी तब पंजाब के किसान ने देश का पेट भरने का काम करा है। मित्रों, हम नई टेक्निक से पंजाब के अंदर खेती के सारे मसले हल करने के लिए एक कमीशन बनाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदा गया तो 2020-21 में खरीदा गया 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और 23,000 करोड़ रुपया कोई भी चोलिए के बगैर सीधा किसान। अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो किस तरीके का विजन होगा, किस तरीके से पंजाब की जनता के लिए कामकाज किए जाएंगे। 20 फरवरी को पूरी की पूरी 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में धुआंधार प्रचार हर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जारी है पूरी ताकत।